नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। टीनेज के दौरान पिंपल्स की समस्या आम बात है, लेकिन कई बार ये दिक्कत बड़ी उम्र में भी घेर लेती है। ये दिक्कत उन लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। क्या आपको पता है कि पिंपल्स कितनी तरह के होते हैं और इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए आपको किन चीजों को खाना चाहिए? तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पिंपल्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। दाना या फुंसी पिंपल। दाना या फुंसी होने का अनुभव हम सभी को रहा होता है। ये लाल रंग के और साइज में छोटे या बड़े दाने हो सकते हैं। शुरुआत में ठोस होते हैं और इनमें दर्द और दुखन भी बहुत होता है। कुछ दिन बाद इनकी रेडनेस कम हो जाती है और इनमें पस भर जाता है। ब्लैक हेड्स आमतौर पर काले रंग के हल्के सख्त और लंबे रेशे होते हैं जो त्वचा के रोम छिद्रों में जमा हो जाते हैं। ये त्वचा की ब्लैकनेस बढ़ाते हैं और इसकी स्मूथनेस को भी कम करते हैं। ब्लैक हेड्स स्किन में मेलानिन के ऑक्सीकरण के कारण होते हैं और हमें लगता है कि ये गंदगी के कारण जमे हुए हैं। पेपुल्स का रंग हल्का गुलाबी से लेकर गहरा लाल तक हो सकता है। ये रेजर कट, रेजर बर्न, किसी कीड़े के काटने या त्वचा संबंधी किसी समस्या के कारण हो सकते हैं। आमतौर पर ये बहुत ही सेंसिटिव और पेनफुल होते हैं। नोड्यूल्स उन पिंपल्स को कहा जाता है जो हमारी स्किन के ऊपर की तरफ डेवलप होने के बजाय अंदर की तरफ डेवलप होते हैं। ये आकार में दूसरे पिंपल से कुछ बड़े, कठोर और हल्के से टच से भी दर्द देने वाले होते हैं। सिस्ट या गांठ। पिंपल्स में भी सिस्ट या गांठ एक प्रकार होता है। इसमें सूजन भी होती है और घाव भी। आमतौर पर इस जगह के मुहासे होने पर डॉक्टर्स की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये काफी दर्द देने वाले और पस भरे होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।